नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, आपके लिए बेहद खुशखबरी की बात दोस्तों, एसएससी की तरफ से जीडी के फॉर्म के लिए दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक जीडी का फॉर्म नहीं भरा दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बेटर न्यूज़ है दोस्तों। और जिनका डाउट हो चुका है, जिनका कोई ना कोई एरर आ चुका है एसएससी जीडी के फॉर्म भरने में, चाहे वो पेमेंट के लेकर हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एरर हो, ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कि इसकी स्टार्टिंग डेट थी 17 अगस्त, लास्ट डेट दोस्तों इसकी एक्सटेंड कर दी गई है। जी हाँ, अब आप फॉर्म 30 सितंबर तक भर सकते हो शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट दोस्तों की ये पेमेंट की ऑफलाइन की वो है 20 सितंबर, और जो ऑनलाइन की है दोस्तों वो है 25 सितंबर, ठीक है। कि दोस्तों इसकी डेट है एडमिट कार्ड की, वो काफ़ी जल्दी रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी पेमेंट की है 25 तारीख, और ऑफलाइन जो है इसका होगा 20 तारीख। और इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊं, 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर चुके हैं शाम के 5 बजे तक। और जिनको पेमेंट का आ रहा था, पेमेंट का चक्कर आ रहा था दोस्तों, तो देखो जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए तो पैसे देने देने हैं। SC ST सर्विस मैन क्या वहाँ पर जब फी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि फ़ी एग्जेम्प्टेड, यानी कि आपको फ़ीस नहीं भरनी। लेकिन दोस्तों गलती से फॉर्म फीस मत भर देना कहीं चलान चलून निकाल कर, ठीक है। SC ST वालों, आपका पंगा पड़ जाएगा। और फीमेल के लिए कोई पैसे नहीं है, इन्होंने दे रखा है कौन कौन से मोड से आप पैसे जमा करा सकते हो, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा हो या मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो, डेबिट कार्ड भी सेम हो, SBI नेट बैंकिंग से करा सकते हो और चलान भी करा सकते हो। बेटर आपको रहेगा चलान, चलान में आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा, 100 रुपया तो 100 रुपये ही देना पड़ेगा आपको बैंक में जाके, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं ये बताऊँ कि इसमें और क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो वैकेंसीज उतनी ही है, 54,953, ठीक है, सब कुछ वही रहा है, सब कुछ डेट ऑफ बर्थ भी वही है। बाकी जिनको डाउट पड़ रहा था कि यार हमारी फ़ी, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं, फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर, थंब प्रिपरेशन अपलोड हो चुका है लेकिन शो नहीं हो रहा। अगर अपलोड हो चुका है दोस्तों, डरने की बात नहीं है, बारकोड शो नहीं हो रहा, डरने की बात नहीं है। एडमिट कार्ड के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा एडमिट कार्ड के ऊपर। थंब प्रिपरेशन लगाने की उसको ज़रूरत है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड का नंबर है उसको ज़रूरत नहीं है थंब प्रिपरेशन लगाने की, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे नोटिफिकेशन तो, ठीक है। बाकी इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है, तो आराम से भरिए अभी, और भरना हो तो रात को भरिए करिए, ठीक है। तो अगर आप सुबह या दोपहर को भरोगे दोस्तों तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, गलती आपकी, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि रात को फॉर्म भरा करो, रात को सर्वर अच्छे चलते हैं, ठीक है। तो रात को अप्लाई कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के जॉब अपडेट्स मैं देता रहूँ हर रोज़, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।